विमेन्स डे जिन्हें रखा जाता था घूंघट के पीछे, आज वो ही कर रही परिवार का पालन पोषण। हजारों महिलाओं की बदल रही जिंदगी, जिसके घूंघट को उसकी कमजोरी समझा जाता, आज वो ही महिलाएं अपने घर का पालन पोषण कर रही हैं। घूंघट के पीछे रहने वाली महिलाएं अब पूरी तरह से सक्षम हो चुकी हैं। घर बैठकर मेहनत से पहले काम करती है और फिर उस मेहनत को बाजार में जाकर खुद बेचती हैं। करनाल जिले के गांव चिडाव की दर्जनों महिलाएं इकट्ठा होकर बैठती है, एक जगह पर सामान बनाती है, फिर चाहे किसी भी तरह का अचार हो या चटनी, डिजाइनर ज्वेलरी हो या फिर बैग, ये अपने हाथों की कलाकारी से इस सामान को तैयार करती हैं। फिर उसके बाद उसे शहर में लगने वाले बड़े बड़े मेलों में प्रदर्शनी लगाकर महिलाएं इन सामानों को बेचती हैं, जहां इन्हें उनकी मेहनत का मूल तो मिलता ही है, साथ ही वो मान सम्मान भी इनकी कलाकारी को दिया जाता है जिसकी ये हकदार हैं। महिला दिवस पर करनाल की ग्रामीण महिलाएं उन सब महिलाओं को संदेश दे रही है जो आज भी अपने घर में घुटकर रहने को मजबूर हैं। गरीब तबके की यह महिलाएं आज बदलते समय में आगे बढ़ रही हैं। भले ही आज समाज के एक हिस्से का चेहरा कैसा भी हो, इन्हें तो बस यह मालूम है इन्हें अपना काम करना है और कुछ पैसे कमाकर अपने बच्चों का परिवार का पालन पोषण करना है, क्योंकि आज के समय में एक ही कमाई से घर नहीं चलता।